कंज्यूमर आवेग निमिषन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें कंज्यूमर ने ये प्रेयर की ही नहीं कि उसकी गाड़ी को बदल दिया जाए, किंतु कोर्ट ने गाड़ी को रिप्लेस करने के लिए ऑर्डर कर दिया। नॉट ओनली दैट, और भी बहुत सारी चीज़ों में कोर्ट ने बड़ा ही ड्रास्टिक डिसीजन दिया है। ये मैटर था हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस शैलेंद्र कुमार का, जिसका जजमेंट हुआ है 20 अप्रैल 2022 में। इसमें मेन इशू क्या था? मेन इशू ये था कि गाड़ी का बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जाकर एक खंभे से टकराई, साइड से ट्रक खींचता हुआ चला गया और गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स को बहुत इंजरीज हुई, चोट लगी, उसके बावजूद भी एयरबैग्स नहीं खुले, जो कि उस गाड़ी के मेन फीचर्स थे कि कभी कोई एक्सीडेंट हो या कभी कोई ऐसी अनहोनी हो तो एयरबैग्स उनकी सुरक्षा करेंगे। इसको कोर्ट ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना है। बात शुरू हुई थी स्टेट कमीशन से। स्टेट कमीशन ने सारे तथ्यों को देखते हुए अपना ऑर्डर किया कि कंपनसेट किया जाए, गाड़ी को बदला जाए, और बहुत सारे ऑर्डर्स किए कंपनसेशन के भी। उसके बाद मैटर नेशनल कमीशन में आया। नेशनल कमीशन ने भी बहुत बारीकी से सारे तथ्यों की जांच की और स्टेट कमीशन के ऑर्डर को कंफर्म किया। मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे आर्गुमेंट्स को फिर से देखा जो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के सामने लाए गए थे। कंप्लेनर का कहना था इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का टोटल डैमेज हो गया, उसके बावजूद भी एयर बैग्स नहीं खुले, जबकि मैंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया था इतनी महंगी गाड़ी लेने के लिए ताकि पैसेंजर्स की गाड़ी की सेफ्टी हो सके, और जब एयर बैग ही नहीं खुला तो इतना खर्च करने का उसको क्या लाभ हुआ। तो पहला जो आर्गुमेंट था कंप्लेनेंट का कि एयरबैग का ना खुलना ही अपने आप में ये दर्शाता है कि गाड़ी डिफेक्टिव थी। दूसरी बात, कंप्लेनेंट का ये कहना था कि जब गाड़ी को बेचने के लिए ऐड दी जाती है, डिस्प्ले किया जाता है, अपने फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है, तो ये कहीं भी नहीं बताया था कि एयरबैग कब खुलेंगे और कब नहीं खुलेंगे। न खुलने की तो बात ही नहीं, पर जब उन्होंने हुंडई मोटर्स को शिकायत की तो उन्होंने कहा था कि इम्पैक्ट इतना सीवियर नहीं था कि एयरबैग खुलते। एयरबैग तभी खुलते हैं जब बहुत ज़ोर से झटका लगा हो, तो ये बात तो डीलर कभी भी, डीलर या मैन्युफैक्चरर किसी ने भी कहीं भी न दिखाई, न लिखी, न बताई, न कहीं कंज्यूमर्स को इस बारे में बताया गया। केवल और केवल हाईलाइट किए गए अपने फीचर्स कि हमारे पास एयरबैग हैं। एयरबैग का होना ही तो अपने आप में इस बात को द्योतक, इस बात को शो करता है कि एयरबैग खुलेंगे, जब भी कभी समस्या होगी एयरबैग खुलेंगे। और तीसरी बात जो कंप्लेनर ने कही कि अगर इतनी फोर्स नहीं लगी थी, इतना झटका नहीं लगा था, तो सामने देखिए गाड़ी को इतना डैमेज कैसे हुआ और पैसेंजर्स को इतना इंजरीज कैसे हुई। इतना डैमेज तो तभी हो सकता है जब बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट हो और बहुत झटका जोर से लगा हो। तो ये तीनों बातों को कहते हुए कंप्लेनर ने कहा है कि जो कंपनी का डिफेंस था कि एयरबैग तभी खुलते हैं जब थ्रेशोल्ड फोर्स लगती है और उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन तीनों बातों को देखते हुए स्टेट कमीशन ने अपनी जाँच की और नेशनल कमीशन ने भी जाँच की। बात अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अच्छे से सुना और उनके आर्गुमेंट्स को देखा। कंपनी के आर्गुमेंट्स क्या थे? कंपनी के आर्गुमेंट्स, जैसे पहले बताया, इम्पैक्ट और फोर्स थ्योरी उन्होंने की थी कि फोर्स का इम्पैक्ट इतना होना चाहिए कि उस पर असर पड़े और एयरबैग ऑटोमेटिकली खुले। दूसरा कि कोई भी एक्सपर्ट एविडेंस तो प्रोड्यूस ही नहीं की कंप्लेनेंट ने कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कहाँ एयरबैग नहीं खुले और कितना इम्पैक्ट था, कितनी ज़ोर से चोट लगी थी। ये सारी चीज़ों की एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन करनी चाहिए थी और कोर्ट के सामने पेश की जानी चाहिए थी। और तीसरी बात कही कि जब कंप्लेनेंट ने रिप्लेसमेंट के लिए बात ही नहीं की गाड़ी में, तो ऑर्डर नहीं किया जाना था कमीशन को,
कमीशन ने जो रिप्लेसमेंट का ऑर्डर किया है वो बिना प्रेयर के किया है, जो सही नहीं है। अगला पॉइंट जो बोला कि डीलर को पार्टी नहीं बनाया गया, इसलिए कंप्लेनेंट का और मैन्युफैक्चरर का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि मैन्युफैक्चरर के साथ कंज्यूमर का डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है जब तक कि डीलर बीच में नहीं होता। डीलर को पार्टी बनाया ही नहीं गया और गाड़ी तो डीलर से खरीदी गई थी। और अंतिम बात ये भी कही कि इट इज़ बार्ड बाय टाइम लिमिटेशन, क्योंकि टाइम लिमिटेशन तब शुरू होती है जब गाड़ी खरीदी गई हो, और खरीदे हुए तो बहुत समय हो गया। ये जो टाइम लिमिटेशन है तब से शुरू होनी चाहिए जबकि कंप्लेनेंट ने द मोमेंट एक्सीडेंट हैज़ अकर्ड उसके बाद से लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तर्कों को सुना और अपना ऑर्डर किया कि रिप्लेसमेंट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी कोर्ट कर सकता है, क्योंकि कोर्ट सारी चीज़ों को बारीकी से जांचता है और देखता है कि क्या रिलीफ कंज्यूमर को दिया जाना चाहिए। कोई भी कोर्ट कमीशन बाउंड नहीं है कि जो प्रेयर की जाए केवल उतना ही माना जाए। जब स्वेयर एक्सीडेंट हुआ है, अधिक डैमेज हुआ है, गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन को, सभी को ये पार है कि वो देखे कि क्या ऑर्डर करना है। इसलिए रिप्लेसमेंट का ऑर्डर किसी भी तरह से गलत नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पहले के अपने ही ऑर्डर्स का रेफरेंस भी दिया, जिसमें उन्होंने बिना प्रेयर के भी कंज्यूमर को रिलीफ दिया है, चाहे वो किसी भी तरह से रिलीफ देना चाहें। दूसरी बात, फोर्स की जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फोर्स तो इतनी अधिक थी कि गाड़ी टोटल डैमेज हो गई और एयरबैग फिर भी नहीं खुले, पहली बात। दूसरी बात, ये तर्क अपने आप में ही गलत है कि इतनी फोर्स होनी चाहिए ताकि एयरबैग खुले, यानी कि जान माल पे बन आए तब एयरबैग खुलेंगे, तो ये क्या सेफ्टी मेजर हुआ? इसके लिए इतना पैसा कोई भी कंज्यूमर क्यों खर्च करेगा? पहली बात तो ये इनकी थ्योरी ही गलत है, दूसरी बात ये थ्योरी हो भी तो उसके ऊपर भी ये सही बैठता है कि इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त था, गाड़ी पूरी डैमेज स्मैश हो चुकी थी और किसी तरह की कोई एविडेंस की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें एविडेंस या एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता तब होती है जब चीज़ें आंखों के सामने दिखाई ना देती हों। तो एक थ्योरी है रेस इप्सा लिक्विटर, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही हो उसके लिए किसी तरह की एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो इस मैटर में भी यहाँ पर कुछ भी और प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात, ये फोर्स वाली बात तो कहीं भी न तो टर्म्स कंडीशंस में लिखी गई, न ही किसी डिस्प्ले में, किसी जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं अपने फीचर्स उसमें डिस्प्ले किया है, कहीं भी नहीं लिखा कि फोर्स कितनी होगी और थ्रेशोल्ड फोर्स क्या होगी और कब एयरबैग बैक खिलेंगे। ये अपने आप में पॉलिसी थ्योरी ही गलत है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये न केवल डेफिशिएंसी है बल्कि ये तो अनफेयर है ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू मैन्युफैक्चर अ थिंग इन दिस मैनर। इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही माना सुप्रीम कोर्ट ने और इसलिए गाड़ी को रिप्लेस करने का भी ऑर्डर किया। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो माना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। किस बात का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाना था? गाड़ी मैन्युफैक्चरर ने ही तो मैन्युफैक्चर की है, उसके बाद वो डीलर को बेचने के लिए ऑथराइज करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर डीलर बीच में नहीं है तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो तो मैन्युफैक्चरिंग ही थी, गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट था। इसने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, डीलर हो या ना हो। डीलर के होने से भी केवल इतना होता कि फला डीलर से चीज़ खरीदी गई थी, जिसके लिए इनवॉइस काफ़ी है कि इस डीलर ने बेचा और खरीदा और उसको कोई डिनाई नहीं किया गया। बेसिकली गाड़ी जो थी मैन्युफैक्चर हुंडई कंपनी ने ही की थी, इसलिए हर बात के लिए जवाबदेह और हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल और हर बात के लिए कंपनसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की ही है। टाइम लिमिटेशन की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि कोई चीज़ डिफेक्ट है उस दिन से ही तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। जब एयरबैग नहीं खुले
तभी तो कंप्लेनेंट को, कंज्यूमर को पता चला कि एयरबैग नहीं खुल रहे और ये काम नहीं कर रहे और ये गाड़ी में डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को पिन पॉइंट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो टेस्ट के अंडर ना आए, जो स्क्रूटनी के अंडर नहीं आता। आज उसका टेस्ट हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ तभी पता चला कि ये नहीं खुले, तो टाइम लिमिटेशन उसी दिन से शुरू ही होगी और कॉज ऑफ एक्शन उसी दिन से माना जाएगा जब कंप्लेनेंट को पता चलता है कि इसमें ये डिफेक्ट है, व्हेन डिफेक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ कंप्लेनेंट। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें बड़ा ही क्लियर किया है कि एक पार्ट की बात यह नहीं है कि एयरबैग नहीं खुला, एयरबैग नहीं खुला और साथ में दूसरी थ्योरी, दोनों ही बातों पर बहुत ही ज़बरदस्त अटैक किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एयरबैग का होना केवल इतना ही काफ़ी होता है कंज्यूमर को ये जानने के लिए कि वो सुरक्षित है। अब उसका थ्रेशोल्ड फोर्स कितनी होगी, कब लगेगी, किन चीज़ों से लगेगी, कितना झटका होना है, इसका कोई मापदंड, कोई कसौटी ना तो कहीं हाईलाइट करते समय बताया, ना किसी एड में बताया, ना ही उनके जो इनवॉइस में कहीं लिखा, और ना ही उनके जो प्रोस्पेक्टस होता है या जो उनका रिटर्न मटेरियल होता है उसमें कहीं बताया गया। इसलिए दोनों चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना और गाड़ी को रिप्लेस करने का भी ऑर्डर किया, और साथ में जो स्टेट कमीशन ने ऑर्डर किया था कंपनसेशन का, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन का, रिप्लेसमेंट का, वो सारा का सारा कन्फर्म किया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए इशू के साथ। थैंक्स वेरी मच।